आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। ड्रग्स केस में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। रिया को ड्रग्स केस में 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, फिर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो कि 22 सितंबर को खत्म हो रही थी, लेकिन अभी रिया को जेल में ही रहना होगा। रिया की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ गई है। रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन मुंबई की भारी बारिश के चलते ये सुनवाई आज नहीं होगी। बीती रात से मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते आज बॉम्बे हाई कोर्ट बंद है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक पर ड्रग्स की खरीद फरोख्त के आरोप हैं। रिया और शोविक ने एनसीबी की पूछताछ में कबूला था कि वे सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम करते थे। रिया और शोविक की कई ड्रग्स पैडलर संघ चैट का भी खुलासा हुआ है। एनसीबी ड्रग्स में अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरी ओर रिया ने एनसीबी को पूछताछ में बताया कि सुशांत ने उनकी जिंदगी में आने से पहले उनसे ड्रग्स ली थी।